हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत धनु राशि वाले जातकों के लिए सबसे परफेक्ट जोड़ी कौन सी रहेगी वह बताऊंगी, उनका सबसे अच्छा जीवन साथी कौन सा रहता है और सबसे बुरा जीवन साथी कौन सी राशि वाले जातक रहते हैं, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। शादी एक ऐसा बंधन है जो परिवार की जड़ होता है। यदि जड़ ही कमजोर हो जाए तो भविष्य में यह पेड़ विशाल वृक्ष भी नहीं बन सकता है। दोस्तों, सभी एक परफेक्ट जोड़ी का सपना देखते हैं। सबको यही चाहत होती है कि उनका जीवन साथी सबसे बेहतर हो और परफेक्ट हो, यानी कि सब यही चाहते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहे। यदि दाम्पत्य जीवन में ही खुशी नहीं रहेगी तो पूरा घर परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। दोस्तों, इसलिए राशि अनुसार हम यदि परफेक्ट जोड़ी का चुनाव करें तो बहुत अधिक संभावना है कि हमारा दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रह सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए कौन सी परफेक्ट जोड़ी रहेगी। धनु राशि के जातकों के मैं आपको कुछ गुण बता देती हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैंने डिटेल में इनके ऊपर वीडियो बना रखा है। यदि आप धनु राशि वाले जातकों के बारे में डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो 100% सत्य बात है, धनु राशि वाले जातकों का वीडियो आप देख सकते हैं। और 10 अद्भुत गुण धनु राशि वाले जातकों के मैंने बनाया है वीडियो, उसमें आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में इनके गुण क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, आशावादी होते हैं और बेहद बुद्धिमानी होते हैं और एक सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान रहते हैं। और इन्हें घूमने फिरने का बेहद शौक रहता है, यानी कि एक जगह पर ये टिककर नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए आइए जानते हैं इनका सबसे अच्छा जीवन साथी कौन सी राशि वाले जातक रहेंगे। धनु राशि वाले जातक यदि कुंभ राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनका 100% परफेक्ट जोड़ी यह कहलाएगी, क्योंकि दोनों राशि के लोग ही बहुत ही उत्साही होते हैं, मिलनसार होते हैं और आराम पसंद होते हैं। जीवन में इन्हें जो मिलता है उससे ये खुश रहते हैं और ये दोनों के बीच में अच्छी ही समझदारी होती है। इनकी पसंद नापसंद एक दूसरे से बहुत अधिक मेल खाती है दोस्तों, इसलिए 100% परफेक्ट जोड़ी धनु राशि वाले जातकों के लिए कुंभ राशि वाले जातक रह सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से इनकी सबसे बुरा जीवन साथी कौन सा रहेगा। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक यदि वृषभ राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनके बीच में बहुत अधिक मनमुटाव रहेगा, इनका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी खुशनुमा नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातक बहुत ही शांत और घर में रहने वाले लोग होते हैं, इन्हें शांत वातावरण बेहद पसंद होता है। लेकिन धनु राशि वाले जातकों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, इसलिए इनकी पसंद नापसंद एक दूसरे के विपरीत होती है, इसलिए ये परफेक्ट जोड़ी नहीं कहलाती है। इसी तरीके से जानते हैं अन्य राशि वाले जातकों से धनु राशि वाले जातक यदि शादी करेंगे तो उनका मिलान किस तरीके का रहेगा। धनु राशि वाले जातक यदि मेष राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट जोड़ी ये रह सकती है। मेष राशि वाले जातक धनु राशि वाले जातकों की भावनाओं की कद्र करते हैं। दोनों ही राशियों अग्नि तत्व राशि कहलाती है, यानी कि दोनों के तत्व में समानता पा जाती है, इसलिए लव रिलेशनशिप इनके अच्छे रह सकते हैं, दाम्पत्य जीवन भी खुशनुमा रह सकता है। लेकिन फिर भी कभी कभी इनकी पसंद नापसंद में विपरीत दिशाओं में जाने से इनके बीच में थोड़ा बहुत टकराव हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये शादी कर सकते हैं मेष राशि वाले जातकों से। इसी तरीके से धनु राशि वाले जातक यदि मिथुन राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनकी लव मैचिंग हम कह सकते हैं कि सामान्य रह सकती है, क्योंकि धनु के गुण तथा मिथुन राशि के गुण यदि आपस में मिलेंगे तो एक कामयाब जीवन जीते हैं ये लोग। ये दोनों मिलकर काम करें तो एक सफल इंसान बनते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी इनकी पसंद नापसंद इनके बीच में आ जाती है, इनके बीच में तकरार बहुत अधिक होता है, इसलिए हम इनकी परफेक्ट जोड़ी ये नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि सामान्य दाम्पत्य जीवन ये जी सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से धनु राशि वाले जातक यदि कर्क राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो ये परफेक्ट कपल नहीं होगा, ये सामान्य जोड़ी ही रहती है, क्योंकि दोनों की पसंद नापसंद तर्क वितर्क एक दूसरे के विपरीत जाने से इनके बीच में टकराव होता है। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक सादा जीवन जीना पसंद करते हैं, जबकि कर्क राशि वाले जातक दिखावी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, यानी कि दिखावों में बहुत अधिक महत्व रखते हैं कर्क राशि वाले जातक।
यदि धनु राशि वाले जातक सिंह राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो दोनों की निभेगी जरूर, हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट कपल हो सकते हैं दोनों। दोनों राशियों का तत्व अग्नि तत्व है, इसलिए इनकी आपस में नीति है, लेकिन कभी कभी सिंह राशि वाले जातक धनु राशि वाले जातकों पर हावी होते हैं तो इनके बीच टकराव होने की संभावना हो जाती है। और लेकिन इनकी पसंद नापसंद का ये एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए चलेंगे तो इनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रह सकता है दोस्तों। इसी तरीके से धनु राशि वाले जातक यदि कन्या राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा नहीं रहेगा, हम कह सकते हैं कि इनका परफेक्ट मैचिंग ये नहीं रहेगा, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों को गुस्सा बहुत अधिक आता है और धनु राशि वाले जातक शालीन स्वभाव के होते हैं और दोनों के बीच टकराव का कारण यही बनता है। कन्या राशि वाले जातक यदि अपना क्रोध छोड़ दें तो ये सामान्य जीवन अपना जी सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से धनु राशि वाले जातक यदि तुला राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। तुला की सहनशीलता साहस धनु राशि के जीवन को सवार देते हैं। दोनों अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं और दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति दोनों समर्पित रहते हैं, इसलिए ये परफेक्ट मैचिंग हो सकती है दोस्तों। इसी तरीके से धनु राशि वाले जातक यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो ये परफेक्ट मैचिंग नहीं रहेगी। दोनों के विचार पसंद नापसंद एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए इन दोनों के राशियों के बीच में टकराव बहुत अधिक होती है और दाम्पत्य जीवन में कलह बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए इनका परफेक्ट मैचिंग हम नहीं कह सकते हैं। इसी तरीके से धनु राशि वाले जातक स्वयं राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनकी पसंद नापसंद विचार तो आपस में मिलते हैं तो हम कह सकते हैं परफेक्ट मैचिंग कहेंगे, लेकिन दोनों ही गुस्सेल प्रवृत्ति के जातक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही तत्व अग्नि तत्व है, तो इसलिए ये दोनों अपने क्रोध पर यदि नियंत्रण रखेंगे तो इनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा, अन्यथा इनके बीच में टकराव होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। इसी तरीके से धनु राशि वाले जातक यदि मकर राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो ये परफेक्ट मैचिंग नहीं होगी, क्योंकि मकर राशि वाले जातक एक शांत स्वभाव के जातक होते हैं, जबकि धनु राशि वाले जातक एक जगह टिककर नहीं रह सकते, इन्हें घूमना फिरना पसंद होता है, इसलिए दोनों की पसंद नापसंद एक दूसरे के विपरीत जाती है तो ये परफेक्ट मैचिंग नहीं कहलाती है दोस्तों। यदि ये एक दूसरे की इच्छाओं की कदर करें, एक दूसरे के अनुरूप कार्य करें तो इनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रह सकता है दोस्तों। इसी तरीके से धनु राशि वाले जातक यदि मीन राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो ये परफेक्ट मैचिंग हो सकती है, लेकिन इनके मतभेद बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि मीन राशि वाले जातक एक जल तत्व राशि है और धनु राशि एक अग्नि तत्व राशि है। दोनों में शत्रुता होने के कारण इनके अंतर्गत मतभेद हो सकते हैं। यदि ये अपनी पसंद नापसंद और तर्क वितर्क को एडजस्ट करते हुए चलेंगे तो एक सामान्य जीवन अपना जी सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी यदि धनु राशि वाले जातकों को किन राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा, और ये यदि इन राशि वाले जातकों से शादी करते हैं तो इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत टकराव हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि दाम्पत्य जीवन में हम एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखें, एक दूसरे के ईगो को हर्ट ना करें और अपने में अहम ना रखें। यदि दोनों ही झुककर एक दूसरे पर समर्पित रहकर कार्य करेंगे तो इनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रह सकता है दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, उनको भी ये जानकारी दें। यदि वे धनुराशि वाले जातक हैं तो उनके साथ भी ये जानकारी शेयर करें तो उन्हें भी पता चले कि हमारा दाम्पत्य जीवन यदि खुशनुमा नहीं है तो क्यों नहीं है, वे राशि अनुसार जान सकते हैं दोस्तों। आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।